हे बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका पोकेमॉन लाइट प्लैटिनम के एक और एपिसोड में। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो लास्ट एपिसोड हमने देखा कि हम नूरमिक सिटी पहुँचे थे और यहाँ के हमने जिम लीडर को हरा दिया था, और अब जाना है हमें आयरन नेम सिटी। तो वहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि लगभग लगभग सारे स्टील टाइप्स पोकेमॉन होंगे, मतलब जिम स्टील टाइप जिम रहेगा। तो आज हम वही क्लियर करेंगे सीधा जाके। हमारा लास्ट जिम बैच है वो, मतलब लास्ट जिम बैटल होगा वो। और यहाँ पे मैं पहले तो मैक्स रिपेल छिड़क देता हूँ, और सिर्फ मैं आपको मेन चीज़ें ही दिखाने वाला हूँ एज ऑलवेज, कि कहाँ पे आपको क्या मिलना है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं लगभग। और यहाँ के जो बैटल्स हैं वो लगभग मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले ही, तो इसलिए डायरेक्ट जो है मैं आपको मेन चीज़ पे लेके चलूँगा और कहीं नहीं, और फिर सीधा जिम। जिम के लिए हमारे पास चार्जार्ड है, जो कि एक बहुत ही मतलब स्टील टाइप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट रहता है चार्जार्ड का, फायर टाइप मूव्स का। तो अभी मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ हील। ओके, अब मेरे को एक पोकेमॉन लेना है, तो वो पोकेमॉन के लिए हमें जगह खाली करनी पड़ेगी, और वो फ्यूचर में मेरा पार्टनर रहने वाला है वो पोकेमॉन, इसलिए उसे लेना भी ज़रूरी है। और वैसे भी अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में थोड़ा टाइम है, तो उसके लिए मेरे को वैसे ही टीम पूरी तरह से चेंज करनी पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए कौन सी अपनी टीम रखूँगा। तो उसमें एक बात तो श्योर है कि चार्जार्ड फिक्स रहेगा ही रहेगा, बाकी सबका तो मेरे को नहीं पता है, बाकी हाँ चार्जार्ड तो एक फिक्स रहेगा ही फ्लाइंग एंड फायर टाइप के रूप में। और अभी आप इसके पास आओगे तो ये आपको एक बहुत ही शानदार पोकेमॉन देने वाला है, एक और सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। हाँ बिल्कुल, बेल्डम। तो ये इसका फाइनल फॉर्म है मेटाग्रॉस, तो बिल्कुल आप इसे ले सकते हो अपनी टीम के लिए, और मैं इसको लेने वाला हूँ बिल्कुल। और अभी मैं अपनी टीम को नॉर्मल करता हूँ, मतलब पहले आपको दिखा देता हूँ इसके पास क्या मूव्स हैं, टैकल और कन्फ्यूजन और हिप्नोसिस। तो चलिए सीधा जिम में मिलता हूँ मैं आपको। तो चलिए, मैंने इन्फनिप को वापस अपनी टीम में रख लिया है, बेल्डम को हटा दिया, बेल्डम को वापस कंप्यूटर में रख दिया है पीसी में। तो चलिए यहाँ पे बैटल करते हैं और सीधा जिम लीडर के पास पहुँचते हैं। तो चलिए, इसे तो हमने आसानी से हरा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई थी हमें। और यहाँ पे ये स्टोन्स क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की कि ये जो लॉरेन रीजन है उसके सारे जिम्स जो हैं वो लगभग लगभग जॉटो से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जॉन्टो जॉटो का भी जो आखिरी जिम है वो स्टील टाइप है। तो अगर आपने गौर किया होगा तो ये चीज़ ज़रूर आप गौर कीजिएगा एक बार।
जैसे जोटो में भी जो लाइट हाउस में अपन जाते हैं वो भी गेम मैं जल्दी खेलने वाला हूँ, तो मैं आपको थोड़ा बहुत जो है मैं कुछ जो लग रहा है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उस चीज़ के लिए। और तो चलिए अभी हम सीधा पहुँच चुके हैं जिम लीडर के पास, और मैं चार्जर को लग देता हूँ आगे, चार्जर को स्विच कर लेते हैं। वेलकम टू द लास्ट चैलेंज ऑफ द लॉरेन लीग, आई एम द लीडर ऑफ द जिम एंड यू विल हैव टू डिफीट माई स्टील पोकेमॉन। ओके तो हमने इसको हरा दिया है और हमें मिल चुका है, फाइनली हमें मिल चुका है हमारा 8 जिम बैच। इसके बाद हम सीधा लॉरेन लीग को चैलेंज कर सकते हैं, लॉरेन के एलाइट 4 और उसके चैम्पियन को। उससे पहले क्या है मैं थोड़ी टीम को अपग्रेड वो करूँगा, लेवल अप करूँगा, क्योंकि बहुत कम लेवल पे है मेरी टीम, तो मेरे को सबको लेवल अप अच्छे से करना होगा। और देखते हैं कौन से हम पोकेमोन को आखिरी तक रखते हैं, मैं क्योंकि फ्रेलिगेटर को भी लेवल अप करने वाला हूँ, सेप्टाइल को भी। अभी तो फिर अभी के लिए बस इतना ही रहूँगा मैं, आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं गाइस। फिर कल मैं आपको दिखाऊँगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि मैंने कितनी लेवल पे अपनी पोकेमोन को कर दिया है, और लगभग मैं 70 to 75 तक करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि लगभग 78 to 80 तो हमारे राइवल्स हैं इसमें लॉरेन में, तो इसलिए मैं 75 ही आप समझ लीजिए, तो इतनी मैं अपने टीम को रखने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो गाइस यहीं पर एंड करते हैं, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।